हेलो दोस्तों, ये मेरे पास हीरो की बाइक है HF डीलक। तो मैं बताऊंगा आज इसकी माइलेज की सेटिंग है वो किस तरीके से करें। दोस्तों माइलेज सेटिंग ऐसी बताऊंगा जिससे दोस्तों आपकी बाइक पेट्रोल है बहुत कम खाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको एक अच्छी माइलेज सेटिंग आ गई तो आप अपनी बाइक की पेट्रोल बचत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दिन पर दिन पेट्रोल है बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। तो मैं आज ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप अपनी बाइक की माइलेज सेटिंग करके पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। इसे दोस्तों RPM बोलते हैं और इसे दोस्तों एयरफॉल मिक्सर बोलते हैं। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से माइलेज की सेटिंग करें ताकि आप पेट्रोल की बचत कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी बाइक का प्लग खोलकर चेक करें कि पेट्रोल बाइक ज़्यादा खा रही है कम खा रही है। तो हम इसका प्लग खोलेंगे, बताएंगे किस तरीके से प्लग चेक करें। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों प्लग की ओर। दोस्तों ये है बाइक का प्लग, हम इसके प्लग की कैप निकाल देंगे फिर दिखाएंगे प्लग खोलकर इसका प्लग है वो किस तरीके का निकलता है, एवरेज डाउन है या फिर सही है। तो दोस्तों 16-17 नंबर का पाना ले लें, इससे आसानी से प्लग खुल जाएगा। तो हम खोल कर दिखाते हैं कि माइलेज चेक कैसे करते हैं प्लग के द्वारा। दोस्तों बाइक जब माइलेज डाउन कर जाती है तो प्लग के द्वारा चेक किया जाता है कि माइलेज बाइक का कैसा है। तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी बाइक का माइलेज चेक करें, उसके बाद माइलेज है वो सेट करें। तो दोस्तों प्लग था, मैंने खोल दिया है, ये देखिए दोस्तों इस बाइक का सच में माइलेज है बहुत ज़्यादा डाउन है। क्योंकि इस बाइक का प्लग है वो काला निकल रहा है, ये देखिए चारों ओर से काला ही काला नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको बताएं जब आप अपनी बाइक का माइलेज सेट कर रहे हैं तो प्लग खोलकर देखें। दोस्तों ये चिमनी है, अगर चारों ओर से काली निकलती है तो समझो प्लग बाइक का जो माइलेज है बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसी तरह दोस्तों चेक करते हैं माइलेज। तो सबसे पहले हम इसका प्लग साफ़ करेंगे, प्लग साफ़ करने के बाद तभी बाइक में प्लग लगाएं, उसके बाद माइलेज की सेटिंग करें। तो हम प्लग साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद प्लग लगाएंगे, फिर दिखाएंगे किस तरीके से माइलेज की सेटिंग करें। दोस्तों हमने इस बाइक का प्लग है वो साफ़ कर दिया है, अब इस बाइक में प्लग लगाएंगे फिर बताएंगे किस तरीके से माइलेज सेट करें। दोस्तों बाइक में प्लग था वो मैंने लगा दिया है, अब इसका जो प्लग की कैप होती है वो भी लगा दें। ये मैंने प्लग की कैप वो भी लगा दी है। अब चलते हैं कार बैटरी की तरफ, अब बताएंगे माइलेज की सेटिंग है वो किस तरीके से करें। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात और ध्यान दें, अगर आप अपनी बाइक का माइलेज सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गाड़ी का जो इंजन है वो गर्म होना चाहिए। गाड़ी का इंजन गर्म होगा माइलेज तभी सेट होगा, अगर गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा तो माइलेज सेट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। तो मैं बताऊँगा किस तरीके से माइलेज की सेटिंग करें। 5-6 मिनट के लिए बाइक स्टार्ट ही छोड़ दें, इंजन है वो गर्म हो जाएगा। अब बताएंगे माइलेज की सेटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले बाइक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बाइक थी स्टार्ट कर ली है, अब आपको बताएंगे किस तरीके से माइलेज सेट करें। तो ये रहा इसका RPM और ये रहा इसका एयरफॉल मिक्सर। तो सबसे पहले हम दोस्तों RPM को बढ़ा देंगे, देखते रहिए दोस्तों किस तरीके से RPM बढ़ रही है। तो हमने दोस्तों RPM है वो थोड़ी बढ़ा दी है, अगर आप माइलेज सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले RPM बढ़ा दें। अब दोस्तों एयरफॉल मिक्सर को थोड़ा टाइट करना है, थोड़ी RPM और बढ़ा दें हम। अब एयरफॉल मिक्सर को थोड़ा टाइट करना है, हल्के हल्के दोस्तों टाइट करते जाएं एयरफॉल मिक्सर को। दोस्तों एक बात आपको बता दें, RPM हल्के हल्के टाइट करना है और गाड़ी की जहाँ पर रेस ज़्यादा हो जाए इसको वहीं पर रोक देना है। आप नोटिस करें कहाँ पे RPM इसकी बढ़ रही है। दोस्तों डाउन हो गई, डाउन हो गई। अब दोस्तों हम थोड़ा खोलेंगे, दोस्तों इसकी RPM है वो इस जगह पर ज़्यादा हो रही है तो हम इसे यहीं पर रोक देंगे। इसकी RPM है वो इस जगह पर बढ़ रही है तो हम इस स्क्रू को यहीं पे छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों RPM बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे ज़्यादा ना तो बढ़ रही है, कम तो हो जाएगी दोस्तों, बढ़ेगी नहीं। अब आपको दोबारा दोस्तों बता दें, ये टाइट करने पर देखिए दोस्तों अब डाउन होती चली जाएगी RPM इसकी, डाउन होती चली जाएगी। यानी कि दोस्तों उसी जगह पर RPM इसकी रुक रही है, ज़्यादा हो रही है RPM उसी जगह पर।
दोस्तों इसी जगह पर इसकी आरपीएम बढ़ रही है, तो हम एयरफोल मिक्सर को यहीं पे छोड़ देंगे। अब दोस्तों आरपीएम है वो कम कर लेंगे। अब दोस्तों आरपीएम कम कर लें, आप अपने हिसाब से बाइक का आरपीएम कम कर लें और इतनी कम कर लें ताकि बाइक है दोस्तों बंद ना हो। तो मैंने दोस्तों आरपीएम है वो कम कर ली है, आप इतनी कम कर लें ताकि बाइक है वो बंद ना हो। दोस्तों आरपीएम है वो ज़्यादा भी नहीं रख सकते और दोस्तों कम भी नहीं रख सकते, क्योंकि कम करोगे तो बाइक बंद होने लगेगी बार बार। तो आप आरपीएम इतनी रखें ताकि बाइक है वो बंद ना हो। तो मैंने है दोस्तों यहाँ पर सेट कर दिया है आरपीएम है वो मैंने इतनी कर दी है ताकि बाइक है वो बंद ना हो। तो दोस्तों इसी तरीके से माइलेज है वो सेट किया जाता है। देखिए दोस्तों गाड़ी की आवाज़ सुनिए, आरपीएम मैंने इतनी रखी है ताकि बाइक बंद ना हो और मैंने ज़्यादा भी नहीं किया आरपीएम। दोस्तों आरपीएम आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितनी भी रखना चाहें। दोस्तों तरीका बहुत अच्छा है माइलेज सेट करने का, जो मैंने बताया उसी तरीके से आप लोग सेट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों प्लग खोलकर चेक करें बाइक का माइलेज डाउन है या नहीं। उसके बाद दोस्तों इंजन है वो इंजन को थोड़ा गर्म कर लें, अगर दोस्तों इंजन गर्म नहीं होगा तो माइलेज सेट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इंजन को गर्म कर लें, उसके बाद दोस्तों माइलेज सेट करें।